हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक के स्मैकडाउन में या तो रोमन रेंस हमें अटैक करते हुए दिखेंगे बैरन कॉर्बिन पर, या फिर बैरन कॉर्बिन रोमन रेंस पर एंड WWE इस मैच के लिए इसी तरह हाइप क्रिएट करेगी सुपर शोडाउन के इवेंट के लिए। बट आप सबको बता दूं कि WWE ने एक काफी बड़ा मैच कंफर्म कर दिया है इस वीक के स्मैकडाउन में, जो की है मिज एंड जॉन मॉरिसन वर्सेज रोमन रेंस एंड उनके मिस्ट्री पार्टनर के बीच। अब WWE ने इस मैच को क्यों कंफर्म किया एंड यहाँ पर रोमन रेंस के पार्टनर कौन होने वाले, उसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ लार्स सुलेवन के रिटर्न के बारे में, इसके अलावा एलिमिनेशन चैम्बर 2020 से जुड़ी दो बड़ी अपडेट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले एलिमिनेशन चैम्बर से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पहली अपडेट जो जुड़ी एलिमिनेशन चैम्बर से वो है सिक्स मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच को लेकर। तो मैंने आप सबको बताया था कि वहां की जो एरिना है वेल्स फार्गो, वो इस सिक्स मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच को एडवर्टाइज करी है, जिसके पार्टिसिपेंट्स है रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन, डैनियल ब्रायन, रॉबर्ट रूड, किंग कॉर्बिन एंड शिंसुके नाकामुरा। बट आप सबको बता दूं कि ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि WWE ने सिर्फ इस मैच को इसलिए एडवर्टाइज करवाया ताकि वो अपने टिकट्स को सेल करवा सके, यानी कि सुपर शोडाउन के बाद WWE को ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए। इसलिए WWE ने बस इस मैच कार्ड को इसलिए एडवर्टाइज किया ताकि वो वहां के टिकट सेल करवा सके। एंड हो सकता है हमें एलिमिनेशन चैम्बर करीब आते आते तक इस मैच के पार्टिसिपेंट्स में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, जैसे कि रॉबर्ट रूड को कोई रिप्लेस कर दे या फिर शिंसुके नाकामुरा को, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यही रहने वाले। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट जुड़ी है एलिमिनेशन चैम्बर से वो है एक और मैच के ऐड होने से। तो आप सबको बता दूं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जो कि है जॉन मॉरिसन एंड द मिज वर्सेस द न्यू डे के बीच, वो भी एडवर्टाइज किया जा रहा है इस इवेंट के लिए। इसलिए कह सकते हैं अगर ये मैच WWE के द्वारा सच में ऑफिशियल होता है तो हमें सुपर शोडाउन के मैच में पॉसिबली जॉन मॉरिसन एंड द मिज या तो बनते हुए दिख सकते स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, जिसके बाद हमें इन दोनों टीमों के बीच रीमैच देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर के पेपरव्यू में, या फिर उस मैच में हमें कुछ गड़बड़ी होते हुए दिखेगी यह कहा जाए। हमें सुपर शोडाउन के इवेंट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से WWE को फिर से इन दोनों टीमों के बीच मैच करवाना पड़ेगा एलिमिनेशन चैम्बर के पेपरव्यू में। बट जो भी हो, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर शोडाउन के इवेंट की वजह से एलिमिनेशन चैम्बर का पेपरव्यू बेकार ना हो जाए। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है लार्स सुलेवन से। अब लार्स सुलेवन से रिलेटेड आप लोग मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते को, भाई लार्स सुलेवन कब आ रहे, क्या वो रॉयल रंबल में आएंगे, उन्हें क्या हुआ। तो आप सबको बता दूं लार्स सुलेवन का रिटर्न हमें कब देखने को मिल सकता है, उसके रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट है मेरे पास। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लगभग 7-8 महीने पहले या कहा जाए जून के महीने में लार्स सुलेवन को नी में इंजरी हो गई थी लुचा हाउस पार्टी के खिलाफ मैच खेलते हुए। उसके बाद से अभी तक वो हमें WWE में देखने को नहीं मिले एंड वो अपने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की फोटो अपलोड करते रहते, जिससे हम सबको लगता है कि अब उनका रिटर्न काफी जल्द होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आप सबको बता दूं लार्स सुलेवन जब इंजर्ड हुए थे देन WWE को लगा था कि लार्स सुलेवन को उनके इंजरी के बाद रिकवर होने में लगभग 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन अब उनके रिटर्न का ज्यादा कुछ टाइम टेबल तो निकल कर नहीं आया। लेकिन ऐसे स्पेकुलेशन लगाए जा रही है कि उन्हें मिनिमम अब 5 मंथ लगने वाला रिकवर होने में, यानी कि वो हमें शायद से समर स्लैम के आसपास रिटर्न करते हुए दिखेंगे, जो कि कह सकते हैं एक काफी लंबा टाइम है सुलेवन के फैन के लिए एक बैड न्यूज है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। अब जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि WWE ने इस स्मैकडाउन के लिए एक टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया है, जो कि है जॉन मॉरिसन एंड द मिज वर्सेस रोमन रेंस एंड उनके मिस्ट्री पार्टनर के बीच। अब ये मैच इसलिए कंफर्म हुआ क्योंकि हमें ट्विटर पर मॉरिसन मिज एंड रोमन रेंस के बीच हमें ट्विटर पर वॉर देखने को मिला था, जैसा कि आप सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब इसके बाद सभी को यही डाउट है रोमन रेंस आखिरकार हमें किसके साथ टीम अप करते हुए दिखेंगे इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि हमें रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है WWE कोफी किंगस्टन या फिर बिगी में से किसी सुपरस्टार को इस मैच में डाल दे, या फिर डैनियल ब्रायन भी वो हो सकते हैं। बट बात की जाए उन दो रिटर्न के बारे में, जो कि शायद हमें रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर बनते हुए दिख सकते हैं, तो पहले सुपरस्टार है आली। तो आप सबको बता दूं कि आली काफी टाइम से स्मैकडाउन के एपिसोड से गायब चल रहे हैं, अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। बट हो सकता है कि WWE अब मुस्तफा अली की जरूरत महसूस कर रही हो एंड उनका वो रिटर्न करवाने की सोच रही हो इस वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में। वही दूसरा रिटर्न है जेफ हार्डी का। तो जेफ हार्डी भी लगभग 9-10 महीने से WWE से बाहर चल रहे हैं उनकी इंजरी के वजह से, यानी कि लगभग मई के आसपास से। लेकिन आप सबको बता दूं लगभग 9-10 फरवरी के आसपास ऐसी अपडेट्स निकल कर आए थे कि नेक्स्ट वीक हमें जेफ हार्डी परफॉर्मेंस सेंटर में देखने को मिलने वाले उनके इंटरिंग रिटर्न से रिलेटेड WWE से बातें करने के लिए। इसलिए क्या पता इस वीक के स्मैकडाउन में हमें जेफ हार्डी का रिटर्न देखने को मिल जाए, इसलिए WWE ने बिल्कुल अचानक से ही इस टैग टीम मैच को कंफर्म कर दिया।
वहीं अपने तीसरे सुपरस्टार के बारे में बात करें जिनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में, एंड वो थोड़ा शॉकिंग है, वो है दी मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। अब जिंदर महल रिटर्न के लिए रेडी है वो आप सबको पता ही है। अब पता नहीं WWE इन्हें उनका रिटर्न रॉयल रंबल में क्यों नहीं करवाया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग थिंग ये है कि क्या वो रोमन रेंस के इस मैच में एज अ टैग टीम पार्टनर के रूप में आएंगे, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा खतरनाक वाले हील है। बट जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ड्रू मैकएंटायर ने दी बम शो में कहा था कि जैसा कि आपने अभी न्यू ड्रू मैकएंटायर देखा, न्यू सेमस देखा, वैसे ही आपको न्यू जिंदर महल भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है WWE में। तो क्या पता वो हमें एज अ फेस देखने को मिल जाए WWE में, ना कि हील। इसलिए अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार यहाँ पर रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर कौन होते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर कौन हो गए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।